नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए किया 152 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान। इस वर्ष शायद ही हरियाणा में पराली जलाने की कोई घटना देखने को मिले, क्योंकि हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए इस वर्ष कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से 80% की सब्सिडी पर और मशीनें उपलब्ध करवाने के लिए 152 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा व्यक्तिगत स्तर पर किसानों को 50% की दर से ऐसी मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। कुल 216 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। यह जानकारी बुधवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस देसी की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि गत वर्ष पराली प्रबंधन के लिए बेलर व अन्य प्रकार की कई मशीनों पर 24,705 मशीनें उपलब्ध करवाई गई थी। इस वर्ष 13,000 मशीनों के बिल अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अलावा 1,031 कस्टम हायरिंग सेंटर की संख्या और खुलने के साथ ही 3831 हो जाएगी। पिछले वर्ष कस्टम हायरिंग सेंटर में पराली प्रबंधन के लिए 6 यंत्रों वाली मशीनें, जो कि इस वर्ष 3 यंत्रों वाली सुपर कटर वाली मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। बैठक में इस बात से भी अवगत कराया गया कि जो किसान अपनी पराली को बेचना चाहता है, उसके लिए एक नया पोर्टल भी खोला गया है। इस पर खरीदने के लिए ठेकेदार व उद्योगों को भी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। सरकार ने 1,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को पराली प्रबंधन के लिए पहले ही उपलब्ध करवाए हैं। वहीं हरेड़ा के माध्यम से बायोमास ऊर्जा के लिए पराली का उपयोग भी किया जा रहा है। कल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट।